ये देखिए, सोना मास्टर को देखिए, लोग जो है घोड़ा बेच के सोते हैं। इन्होंने घोड़ा, हाथी, बकरी, मुर्गी, रेबिट जितने जानवर है सब बेच के सो रहे हैं। कुछ खबर नहीं है, वो ऐसा बड़ी मुश्किल से सोते थे, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत, मतलब एकदम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम लेवल की नींद में है। एकदम मीठी नींद, गहरी नींद। ये देखिए, ये खबर ही नहीं। सबसे वो ऐसी नींद किसकी होती है जो बहुत जल्दी खुल जाती है? कौन सा जानवर होता है वो? जानवर की नहीं होती, इंसानों की भी होती है। नहीं, जानवर में कोई होता है, कहते हैं कि इसकी नींद ये है कि खट से कोई बोला तो फौरन से वो हो जाता है। सबसे चौकन्ना तो कुत्ता ही सोता है। इसीलिए चौकीदारी के लिए भी रखते हैं उसको। और एक जानवर होता है स्लॉथ, वो भैया बहुत सोता है। 18 18 घंटे वो पेड़ पे उल्टा लटका रहता है। 18 18 घंटे सोता है, और हफ्ते में एक दिन उतरता है पेड़ से नीचे कौन से वॉशरूम के जानवर? लिए। स्लॉथ है, मतलब यहाँ नहीं है जंगल में, वही अब कहाँ उसकी एग्जैक्ट जानवर लोकेशन। चले जो जाते हैं, हाइबरनेशन पे चले और जाते हैं। उसका मतलब उसकी काहली की वजह से वो एक मतलब वो बन गया है। जैसे लोग कहते नहीं, मिसाल आप देते हैं। शेर हो तो शेर की बहादुरी के लिए कहा जाता है, ऐसे काहली के लिए भी कहा जाता है, यार स्लॉथ हो रहे हो, मतलब वो भी बहुत काहिल है, पड़ा रहता है, सोता रहता है। हाइबरनेशन पे चले तो जाते हैं जानवर, पूरी सर्दियां सोते हैं, गर्मियां उसमें यही होगा, सांप होगा, छिपकली होगी, और कौन कौन से जानवर नहीं हमारा हो सकते? गर्राक सोता है, सोता है तो सोते ही रहता। कौन? बिल्ला, हमारा बिल्ला अच्छा, बिल्ला और रैबिट दोनों एक साथ नहीं पाल सकते? पाल सकते हैं, लड़ने लगेंगे अगर शुरू से पलते हो तो। सही बच्चे, हमने पाले इधर लगा हैं। फोन। ये है बिल्ला चच, हमारा, कहाँ से लाए थे ये? ये मुंबई से आया था। गए थे मुंबई आप? नहीं, भेज दिया था भेज उसने, दिया, कोई लगा जानने था, वाला था? बजने लगा था, देखने से बहुत दिल चाह रहा। जानने वाला क्या, वो इसी का बिजनेस था उसका। कितने का दिया है? ये मिला था 13,000 कौन है, पर्शियन कैट है? पर्शियन। बड़ा प्यारा पिल्ला था। इनके बारे में अब जरा तो कुछ बिक भी बताइए, नहीं रहे किनके बारे यार। में बताऊं, शुभकामनाएं दीजिए इनको, कुछ किनको दूं, इनको इनको उपदेश, दूं? हाँ कुछ उपदेश दीजिए, कुछ शुभकामनाएं दीजिए। इनको उपदेश यही देना है कि इनका नाम मैंने अभी एक पढ़ा था, गुलू डिंग डैंग। अबे यार, ये कौन सा नाम है? जितनी देर में हम तुम्हारा नाम लेंगे, इतनी देर में तो यार बस चली जाएगी। हम कहेंगे गुलू डिंग कहेंगे तब तक। गुलू डिंग डैंग यहाँ आइए। अच्छा, कोई शोर शराबे का भी असर नहीं हो रहा इस टाइम? वही तो कह रहा हूँ, घोड़ा घोड़ा, गधा, तो देख बकरी, लिया। कुत्ता, हाथी, भैंस, ये बैल, कहा जाता था जितने जब जानवर। घोड़ा नहीं, अस्तबल बेच के सो रहा है पूरा। हाँ, मोबाइल आप कर ले आए। अरे हमारा डाउन पड़ा है ना, हमारा चार्जर नहीं मिल रहा है। अभी हम चार्ज कर रहे हैं, अरे चार्जर नहीं मिल रहा हमारा, देख तो नहीं हुआ क्योंकि दिखाए नहीं हम अपना बिल्ला कितना सोना। मोटा, इधर आओ, इतना मोटा सा बिल्ला हो गया जब हमारा। हम बिसलपुर गए थे ना, तो हमने वो रेबिट थे उनकी वीडियो हम बनाए थे जब। दोस्त सुबह को बातें करते देखा, सुना हमने किसको? सुबह में बातें करते देखा हमने उससे, रैबिट से। हाँ, वो भी हमारे बेटे हैं, बल्कि बेटी हैं, दोनों बेटियां हैं। अब एक अच्छा सा रिश्ता आप बताइए, बढ़िया खाता पीता रैबिट तो नहीं, बालिग हो गए वाकई में वो, इंसानों की तरह थोड़ी है वो, साल भर के अंदर ही हो जाते हैं, शायद 9 महीने या 1 साल लगते हैं। दोनों वो हैं, साल भर के होने वाले हैं, हो गए। दोनों फीमेल हैं। हाँ, अगर और एक इनका मेल है, प्रोडक्शन, इनका मतलब पैदावार बहुत है। साल भर में 4 बार ये लोग पेट से होते हैं, मैंने 3 महीने पे देते हैं, 3 या 4 महीने पे। हाँ नहीं तो एक मेल फीमेल होता तभी तो होते। हाँ ब्रीड इसकी करानी पड़ेगी कुछ कहीं से। और चार्जर है कहाँ? 8 से 12 बच्चे चार्जर देते हैं एक पता बार नहीं में। उसने कहाँ उठा के डाल दिया, नीचे गिरा और हाँ उन्होंने भाभी, कहीं डाल दिया। रेबिट जो है 8 से 12 बच्चे एक बार में देता है, साल में देता है 3 बार में, यानी पेट से होता है, प्रेग्नेंट होता है, तो बहुत ज़्यादा यानी उसका वो है। चलिए, ये बिल्ली भी तो इतनी 6 महीने बाद।
छह महीने बाद दे देती। बिल्ली का पता नहीं, ये पोटी ट्रेंड है बिल्ली आपकी? हाँ। ये आपको सिखाना पड़ा या? सिखाना पड़ा। कैसे? ऐसे कि उनका जो वो आता है लिटर बॉक्स जो आता है उसमें लिटर सेंड डाल दी जाती है, उसके बाद रेत या सेंड जो भी उन्हें ले जाके फिर उसमें बैठा दिया जाता है और उनके पंजे पकड़ के उसको ऐसे ऐसे करवाया जाता है। किस टाइम? किसी टाइम भी जब छोटे होते हैं तब, सुबह में शाम में दो बार। हाँ, तो करवाने ही तो उनकी आदत इससे पड़ जाती है कि हमें ऐसे करना है। अच्छा, वैसे वो जहाँ भी जाएंगे वो अपने पंजे चलाने लगते हैं। पंजे चला दे समझ जाओगे ये कुछ पॉटी वाटी करने।